वो आप जनाब से बात करेंगे, तुम जनाब से बात करेंगे, आप लोग उसको बोलेंगे तू, वो उसको सहन नहीं होता, उसको लगता है कि मन मारा ही मैं आपसे बात करूँ, आप ही मेरे से आपसे बात करूँ, वो बोलेगी मैं आपसे अच्छे से बात करूँ ना, आप भी मेरे से अच्छे से बात करूँ, मैं आपकी कदर करूँ ना, आप भी मेरी कदर करो, मैंने आपके लिए खाना बना के दिया ना, आपका काम क्या है, मेरे को बोलेंगे मेरा खाना अच्छा बना, अच्छा नहीं भी बनाओ तो बोल देना अच्छा बना, लेकिन बोलेंगे नहीं, हो अंदर ही लगे बार बार सहन करेंगे सहन करेंगे सहन करेंगे, बार बार सहन करते 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 वो फिर डिस्टेंस सेंटर करते हैं, उसको लगेगा कि अब मेरी यहाँ पे कदर ही नहीं, कदर नहीं है, इस कदर के चक्कर में इतनी से अपने आपको बीमार कर देती है, कदर ही नहीं है, और फिर वो डिसकंसेंट्रेट फेज में जाएंगे, एंगर इरिटेबिलिटी पेंड हो रही है, ठीक है, उसके बाद में इसमें चले जाएंगे अपने एंगर टैसिटरिटी में चले जाएंगे, सैडनेस में चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो इम्पैसिबिलिटी निगेटिव में चले, लोगों को लगेगा यार पहले तो इतनी अच्छी थी अभी तो क्या हो गया, ये इसका फील है कि एकदम, लेकिन हमें मॉरल नहीं छोड़ेंगे, आखिरी तक अपने मॉरल नहीं छोड़ेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे भी नहीं तो मॉरल में रहेंगे, बोलेंगे किसी को कुछ बोलेंगे ना तो मॉरल में रहेंगे, बोलेंगे एक बार मेरे किस्सा याद आया, एक छोटा बच्चा था, उसको कुछ लोग छेड़ रहे थे उसके घर वाले, तो उसने एक बच्चे ने उसको बोलते बोलते एक बच्चे उसको बोलते क्या बोल दिया कुत्ता, तो बच्चा बोलते आप कुत्ते हो, तो उसने उसको जवाब भी दिया लेकिन मॉरल नहीं छोड़ा, आप बोल के बोला उसको रिस्पेक्ट देके बोला, मॉरल के साथ में बोला, मे भी हो सकता है क्योंकि वहां पर मॉरल दिखे हमने को कि उसको आप बोलना आप जनाब से बात करना, ये सारी चीजें जो वो लेके आती है अपने साथ में, लेकिन उसके साथ में जब उसकी कदर नहीं होती तो मॉरल को नहीं छोड़ती, निगेटिविटी में जाती है लेकिन अपने मॉरल को नहीं छोड़ती, और जब उसके मॉरल आपको हर जगह दिखेंगे, जब पेशेंट आ जब इतनी सारे पेशेंट आपके सामने भी आएगा तो वो अपनी बातें जो है वो बताएंगे, अपनी घर की बातें बताएंगे, आप उसको कितना भी पूछोगे ना उसको बताएंगे, नीचे देख लेंगे सर्चिंग फ्लोर में इंग्लिश है नीचे देख के बात करेंगे, यही बताएंगे, और जब आप केस लेके आओगे तो पति पत्नी जब आप देखो केस के अंदर में हस्बैंड वाइफ की कहने से कैसे बैठे अंदर ये थोड़े से अटैच होती होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड यहाँ बैठा है वाइफ उनसे दूर, आप इंग्लिश में पूछेंगे क्या तकलीफ है आपकी तकलीफ क्या है, कोई तकलीफ यानी इशारे में बता देती कि मेरा पति मेरी तकलीफ है, मेरे को इतने दिन से तकलीफ है, मेरे को एक हफ्ता हो गया खांसी है, लेकिन इसका ध्यान नहीं है कि अपनी बीवी को लेके जाना डॉक्टर को दिखाना, मैं क्यों बोलूँ उसको अंदर से रहता, मैं क्यों बोलूँ इसको समझना चाहिए, इससे भी मेरी शादी हुई ना, मेरी अकेली नहीं होगी इसकी शादी हुई है, इसकी भी मेरे से शादी हुई है, इसको एक खांसी होगी तो मैं फट से देखी दवाई लेकर, लेकिन इसको ये बस अपने काम 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 में लगा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि दवाई लेके आना, खबर ये चिड़ जाती हो उन सब चीज़ों से, लेकिन बोलती नहीं क्योंकि मॉरल में पति को भी जवाब देगी आंखों में दिख जाएगा कि चिड़ गई है, आंखों में उसके गुस्सा दिख जाएगा, आंखों में इरिटेबिलिटी दिख जाएगी, लेकिन चिड़ गई पलट के जवाब नहीं देंगे या फिर ये नहीं करेंगे, अब शाम दूसरे को अपने घर की बात नहीं बताएंगे, ये उसके मॉरल है, ठीक है, और अगर कंपेयर किया जाए तो एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, हस्बैंड अगर का अगर झगड़ा हो रहा है ओके हस्बैंड आया जॉब से एक गिलास पानी लेना होगा, इग्नी करेंगे तो लेके आएंगे हॉट स्पॉटिंग लारी ने देखिए लारी को मॉरल है क्योंकि बोला तो काम लेकिन बड़े गुस्सा भी थे क्योंकि वो इरिटेबल थे मूड में, नेट्रमोर को बोले ना पानी लेना फीलिंग में ना मॉरल फीलिंग मॉल टॉप में प्लेटिना खुद आएगी जॉब से पति पानी लेके आए कंपेरिजन से पेशेंट के रिएक्शन से अपन पेशेंट को फटाफट निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो पेशेंट क्या कर रहा है क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है ये सारी चीजों पर अपने को ध्यान देना है, और रूब्रिक को अपने को रोज पढ़ना है, रोज अपने को चार पांच रूब्रिक पढ़ना है, उनको डिस्कशन करना है, अलग अलग डिक्शनरी यूज करके देखना है कि कौन सा रूब्रिक कहाँ फिट हो रहा है, फिर अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसे रूब्रिक भी निकालोगे जो आपने कभी पढ़े भी नहीं, जो किसी सेमिनार में सुने भी नहीं,